दोस्तों आज लेके आया हूँ पायरो डांसिंग मशीन। आप देख रहे हैं इसमें तीन पायरो लगाने का ऑप्शन होता है। यह चार्जेबल मॉडल है, अपने मशीन को ऑन कर देना है। इसमें दो बटन है और पायरो को पावर मिल जाएगी। आप एक पायरो भी यूज कर सकते हैं, दो भी और तीन भी। आप ये देख रहे हैं इसकी दो वायर्स होती हैं। लाइट ऑन होगी तो आपका पायरो वैसे ब्लास्ट हो जाएगा। इसका स्टैंड है ताकि पायरो हिले ना। और एक बार देखते हैं अंधेरे में इसका व्यू कैसे आता है जब ये ब्लास्ट होते हैं। दोस्तों आज लेके आया हूँ पायरो डांसिंग मशीन, स्विंग मशीन भी कई लोग कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें तीन पायरो लगाने का ऑप्शन होता है। कनेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पीछे की साइड देखेंगे तो ये रिमोट पेयर करने का बटन है। यहाँ पे बैटरी शो होती है। चार्जेबल मॉडल है, चार्जर साथ में आता है, एंटीना साथ में आता है, रिमोट साथ में आता है। ए और बी दो रिमोट हैं। एक से स्विंग होना स्टार्ट होता है, बी से आपका जो पायरो वो वर्क करते हैं। तो सिंपली ये जो एंटीना है आपने एंटीने पॉइंट लगा देना है। ये आपकी जो रिमोट की रेंज है इसको इंक्रीज करता है। ये लगाने के बाद में आपने मशीन को ऑन कर देना है। जैसा आप देख रहे हैं ये चार्जर है, जब चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तब आपने यूज़ करना है इसका। तो इसको साइड रख देते हैं। इसमें दो बटन है, एक तो है ए जिससे कि आपकी स्विंग मशीन रोटेट होनी स्टार्ट होती है, दूसरा है बी जिससे लाइट ऑन हो जाएंगी और पायरो को पावर मिल जाएगी, पायरो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे पायरो फिट करते हैं, एक बार बंद करते हैं। तो इसको आपको ओपन करना पड़ता है। ये जो नट बोल्ट हैं आपने इसे खोल देना है। ये पायरो की फिटिंग के लिए है कि पायरो की जो स्ट्रेंथ है सही रहे। आप एक पायरो भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी और तीन भी। तो फिलहाल मैं इसमें एक और दो पायरो, दो मशीन यूज़ करने वाला हूँ। तो आपने पायरो कनेक्ट करने के लिए सिंपली पायरो लेना है। आप ये देख रहे हैं इसकी दो वायर्स होती हैं। इन दोनों को छिलना है, अलग अलग करना है ऐसे। सो आपने ध्यान देना है कि लाइट ऑन नहीं रहनी चाहिए। लाइट ऑन होगी तो आपका पायरो वैसे ब्लास्ट हो जाएगा। तो सिंपली पायरो को आपने यहाँ पर लगाना है। देन ये जो दो वायर हैं, एक डालनी है ब्लैक में, एक डालनी है रेड में। तो पहली वायर डालते हैं हमें रेड में। इस बटन को प्रेस करेंगे तो वायर इसके अंदर चली जाएगी। और सेकंड डालनी है ब्लैक में। अगर तीन पायरो लगा रहे हैं तो आप तीनों के तीनों कनेक्शन सेम भी कर सकते हैं। तीनों की ब्लैक वायर यहाँ पे, रेड वायर यहाँ पे, नहीं तो इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर सेकंड पायरो भी लगाना चाहता हूँ इसमें, आप चाहें तो इसमें एक पायरो भी यूज़ कीजिए, आप चाहें दो यूज़ कीजिए, चाहे तो तीन यूज़ कीजिए। तो फिलहाल मैं एक मशीन में दो मशीन यूज़ करने वाला हूँ। एक में सिंगल पायरो लगाऊंगा और एक में डबल, ताकि आपको लुक चले पता कि फ़र्क कैसा आता है। तो ये मैंने दो पायरो फिट कर दिए इस मशीन में। इसको मैं डाल देता हूँ ब्लैक में और एक डाल देता हूँ रेड में। सो गाइस ये लगाने के बाद में आप ए तो दबा सकते हैं जिससे पायरो ब्लास्ट नहीं होंगे, लेकिन बी दबाते ही पायरो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो अभी तो इसको कसना पड़ेगा। तो एक बार जैसे आप देख रहे हैं इसका स्टैंड है ताकि पायरो हिले ना, तो वायर को नीचे निकाल दीजिए और इस स्टैंड को लगा के आप कस सकते हैं अगर आपका पायरो लूज है तो। तो सिंपल सा इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। ये इसका साथ में लॉक आया है जिससे आपके पैरों बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो इस टाइप से एक लगा दीजिए तब भी काम हो जाएगा आपका। तो इसे देखिए लॉक में लगा दिए हैं। अब आप देखेंगे तो आपके पैरों बिल्कुल भी हिल नहीं रहे, स्टेबल हैं, गिरेंगे नहीं। अब जैसे बी दबाएंगे वैसे ही पैरों ब्लास्ट हो जाएंगे। बट सेकेंड मशीन में फिलहाल एक पैर लगाते हैं और दोनों इकट्ठे व्यू देखते हैं किस तरह से दोनों का व्यू आता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने एक मशीन में दो पायरो इंस्टॉल किए हैं और एक में सिंगल पायरो इंस्टॉल किया है। ये इसका रिमोट है, ये इसका रिमोट है। हम चाहे तो एक ही रिमोट से दोनों भी कर सकते हैं। रिमोट की पेयरिंग करना हमारे हाथ में है। तो सिंपली प्रेस किया ए, ये इसका रिमोट है, और ये प्रेस किया ए तो ये इसका रिमोट है। तो हमारे दोनों मशीन ओके हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए बाहर चलते हैं और एक बार देखते हैं अंधेरे में इसका व्यू कैसे आता है। देन बी दबा के ब्लास्ट करेंगे। तो चलते हैं आउटसाइड में। तो दोस्तों आपने सबसे पहले इसको रखना है स्टेज पे। जैसे आप देख रहे हैं दो में रखी है मशीनें, एक में सिंगल पायरो है, एक में डबल पायरो है। आपने चेक करना है इसकी बैटरी। जैसे आप देख रहे हैं 11.6 मतलब कि बैटरी फुल है। 10 वोल्ट से कम होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको इसको चार्ज करके लेके आना है अपने घर से ही। देन आप देख रहे हैं कि इसका काम रिमोट जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप ए दबा के चेक कर लेंगे दोनों मशीन का कि दोनों मशीन की स्विंगिंग स्टार्ट हो गई है। अब जब भी आपको इसको ब्लास्ट करना है, सपोज़ वरमाला हो रही है, किस भी आप मौके पर इसको ब्लास्ट करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट बी दबाना है। ये दोनों रिमोट आप चाहते हैं कि एक ही रिमोट से दोनों फीचर काम करें तो वो फीचर भी आप किसे कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट का पेयर करने का बटन बाहर है, उसकी वीडियो आपको अलग से शेयर कर दूंगा। तो अब देखते हैं पायरो का लुक कैसे आता है स्टेज पे जब ये ब्लास्ट होते हैं। तो इन दोनों बी को मैं इकट्ठे प्रेस करने वाला हूँ। तो अब बी ब्लास्ट करते हैं और दोनों पायरो का लुक देखते हैं किस टाइप से सिंगल में आता है, किस डबल में आता है।
दोस्तों आपने देखा किस तरह एफएफ का लुक आता है जब ये वर्क करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या साथ ही साथ हम लोग सेल्फी बूथ, पैन बिल, रोटेटर और कई तरह की मशीन में डील करते हैं, CO2 जंबो आजकल बहुत चल रहा है, तो इसी आइटम कोई भी देखने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। ऐसी काफ़ी यूनिक वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।